तो आज अगला हमारा वीडियो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। सन 1888 में वैज्ञानिक हालवेक्स ने अपने प्रयोग द्वारा देखा कि जब किसी धातु तल जैसे जस्ते के प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश या लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चित्र में देखें, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था है जिसमें से ए जो है एक निर्वातित कांच का बल्ब है और बी निर्वातित कांच के बल्ब में ए जस्ते की एक चकती है। ये जो आपका गोलाकार बना है ये निर्वातित कांच का बल्ब है और ये जो ए है ये ए जस्ते की एक चकती है। ये जो बी है ये किसी अन्य धातु की एक जाली है जिसका संबंध एक बैटरी तथा धारा मापी जीस कर दिया जाता है। जब प्रकाश ए पे नहीं डाला जाता तो धारा मापी जी में विक्षेप शून्य होता है, पर जब जस्ते की चकती ए पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो यदि इलेक्ट्रोड्स भी धनात्मक विभव पर है तो धारा मापी जी में विक्षेप प्राप्त होता है, अर्थात परिपथ में धारा बहने लगती है जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। अब विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जो हालवेक्स ने कुछ निष्कर्ष निकाले उनमें से कुछ निष्कर्ष ये हैं। पहला है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जबकि धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति न्यू जीरो से अधिक हो। इस न्यूनतम आवृत्ति को उस धातु की देहली आवृत्ति भी कहते हैं। दूसरा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है ना कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पे नहीं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है ना कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो इस बात पे निर्भर करती है कि एक सेकंड में कितने प्रकाश फोटॉन आपतित हो रहे हैं, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्र पर में कितने फोटॉन आपतित होते हैं, इसको उस प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। फिर चौथा है, धातु सतह पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात जैसे फोटॉन प्रकाश की सतह फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होगा वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे जितने फोटॉन आपतित होंगे वो सभी फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वह जो इलेक्ट्रॉन अन्य प्रक्रमों में या जो इलेक्ट्रॉन धातु के आंतरिक सेल में हैं उनको सतह तक लाने के लिए खर्च हो जाती है, परंतु एक फोटॉन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। यही कारण है कि आपतित फोटॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सदैव आपतित फोटॉनों की संख्या से कम होती है। मतलब फोटॉन अधिक आपतित होते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है ये तो सही है, परंतु सभी फोटॉन
का प्रयोग, सभी प्रोटॉन की ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में लग जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो धातु के अंदर वाले तल पे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए भी ऊर्जा खर्च हो जाती है फोटॉन की। इसकी जो व्याख्या है वो आइंस्टीन ने 1905 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दी, जो कि प्लैंक के सिद्धांत पे निर्भर करता है, जिसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में हो प्रकाश के वेग से गमन करता है। प्रकाश के इस बंडल को फोटॉन कहते हैं, जिसकी ऊर्जा यचनी होती है, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है, तथा न्यू उस फोटॉन की आवृत्ति है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंग सिद्धांत के अनुसार एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, अतः आइंस्टाइन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की। आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश की तीव्रता फोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जब आवृत्ति न्यू का विकिरण धातु पर डाला जाता है, तो जो आपतित फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है, वह दो भागों में बट जाती है। पहला भाग है ऊर्जा का कुछ भाग धातु के भीतर से धातु के तल का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको लाने में व्यय होती है। इस ऊर्जा को धातु का कार्य फलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी धातु का कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन को धातु के तल तक लाने के लिए आवश्यक होती है। इसका मान विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है। इसे फाई से व्यक्त किया जाता है। यदि धातु की देहली आवृत्ति न्यू जीरो है, तो धातु का जो कार्य फलन है वो फाई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू जीरो, और न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लेमडा, तो हो जाएगा एस सी अपान लेमडा जीरो, जहां लेमडा जीरो देहली तरंग दर्ध है। दूसरा है ऊर्जा का शेष भाग धातु तल पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनको गतिज ऊर्जा देने में प्रयोग होता है। माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वेग भी है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ek इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एक बटे दो एम वी स्क्वायर। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार फोटॉन के द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस धातु का कार्य फलन। तो जो फोटॉन द्वारा दी गई ऊर्जा होती है वह एच न्यू है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके के द्वारा, तथा धातु का कार्य फलन फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस स्थिति में आपका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा ईके बराबर होगी वो होगा ईके इक्वल टू एच न्यू माइनस जीरो। यदि आपतित फोटॉन की गतिज ऊर्जा धातु तल के कार्य फलन के बराबर है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो शून्य होगी। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है धातु तल से, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। इस शर्त के अनुसार अगर न्यू बराबर न्यू जीरो है तो ईके का मान शून्य होगा। यहां ईके का मान शून्य कर देंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू जीरो। इस फाई का मान समीकरण दो में रख देंगे, ये हो जाएगा ईके एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, जो कि न्यू की वैल्यू सी अपान लेमडा पुट करने से ये ईके का समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अगर इसको हम ग्राफ के द्वारा देखें तो ये ग्राफी विधा है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति ग्राफ है। इसमें आवृत्ति न्यू जीरो एक देहली आवृत्ति है। जैसे देहली आवृत्ति के बराबर हम आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित कराते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और वो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अगर हम बी लेवल तक या देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति तक के फोटॉन को आपतित कराते हैं, तो यहां डैश डैश द्वारा दिखाया गया है, मतलब इस ऊर्जा का प्रयोग धातु के तल अंदर वाले तल से इलेक्ट्रॉन को धातु तल तक लाने के लिए किया जाता है। यदि
प्रकाश की ऊर्जा डेली ऊर्जा से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा और धारा नहीं बहेगी। दोस्तों ये हो गया हमारा वीडियो। हमारे वीडियो कंटिन्यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आते रहते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।